फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, कि जो हमारा रेस्पिरेशन है वो किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं, ये पूरा हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो है वो कई स्टेप्स में होता है। सबसे पहला है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं, जिसमें हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना, एक्सपायरेशन मीन्स सांस छोड़ना, ये हो गया ब्रीदिंग। फिर दूसरा आता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका किस तरीके से एक्सचेंज होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। इसमें जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, जो हमारा क्या होता है, जब टिश्यू और जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है उसके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई से हमारे उसमें आती है, ब्लड में आती है, तो ब्लड में हमारे RBC होते हैं, RBC रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो जब ऑक्सीजन O2 हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है तो बनता है हमारा एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये कुछ टाइम बाद टूट जाता है, इसलिए इसको हम टेम्पररी बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरा स्टेप्स है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड, वही कि जो ऑक्सीजन आया फिर हमारे एल्वियोलाई से हमारे ब्लड में आता है, वहाँ से किस तरीके से ये हमारे टिश्यू में जा रहा है ऑक्सीजन को लेके, तो वो यहाँ पे हमने पढ़ना है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का। फिर है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, वही इंटरनल रेस्पिरेशन जो मैंने बताया, कि मैंने बताया था ऊपर कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है टेम्पररी कॉम्प्लेक्स है, वो आगे जाके टूट जाता है। कब टूटता है, जब ये हमारे टिश्यू के पास पहुँचता है और वहाँ से ऑक्सीजन हमारे टिश्यू को दे देता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आ जाती है। तो यहीं पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट जाता है हमारा ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में, तो ऑक्सीजन जो है हमारी चल जाती है टिश्यू में और हीमोग्लोबिन हमारे वापस ब्लड में आ जाता है, ठीक है। तो ये तरह यहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, दो जगह होता है, एक एल्वियोलाई ब्लड के बीच में, दूसरा टिश्यू और दोबारा ब्लड कैपिलरीज के बीच में। अब पांचवा स्टेप है यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ऑक्सीजन टिश्यू में गई है वो टिश्यू सेल्स जो है उस ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे अपने फूड के लिए और रिलीज़ करेंगे क्या, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे। इसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल्स के बीच के सेल में हो रहा है, तो इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो सारे स्टेप्स हैं इनको एक एक करके हम देखते हैं। ब्रीदिंग जो है हमारा सबसे पहला है, ब्रीदिंग तो हमने पढ़ लिया है। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम देखते हैं किस तरीके से होता है। तो इस डायग्राम में दिख रहा होगा किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, ये जो यहाँ पर आपको ये जो ये आ रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं, ये है हमारा ऑक्सीजन, जो हमारा ये जो है हमारा ये पूरा है एल्वियोलाई, यहाँ से ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में जा रहा है, ठीक है, ये हमारे ब्लड में जा रहा है ऑक्सीजन, ये तो इस तरीके से यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस हमारे एल्वियोलाई में जाती है और फिर वहाँ से बॉडी से बाहर चली जाती है। तो ये हो गया एल्वियोलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि एल्वियोलाई में गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है। ये देखो ये दूसरा डायग्राम है, यहाँ पे भी साफ दिख रहा है किस तरीके से जो हमारी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। ये है एल्वियोलाई और यहाँ से ये वाइट वाइट जो दिख रहे हैं वो ऑक्सीजन यहाँ जा रही है और जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे दोबारा इसमें जा रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है हमारे RBC से मिल रहे हैं, इसके साथ जुड़ रहे हैं, यहाँ पे देखना है एक मिनट, ये देखना है यहाँ पे ये हमारे RBC के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि
इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू तक, टिश्यू में फिर वो डिसोसिएट हो जाता है। यहीं पे एक नया टॉपिक बनता है, वो क्या था, वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो हम आगे देखेंगे। ये रहा वो, ये ऑक्सीजन है, ये आरबीसी है पूरा ऑक्सीजन, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ गए, इन्होंने बना दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये रहा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और ये आर्टेरियल ब्लड इसमें लेके जाता है। ये एक पूरा डायग्राम है, पूरा ओवरऑल है कि किस तरीके से किस किस जगह ऑक्सीजन जा रही है और कैसे फिर वापस हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो ये देखो, ये है यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये हमारे एल्वियोलाई में आई, ये हमारा एल्वियोलाई है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे ये ब्लड कैपिलरीज, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है यहाँ पे, इसमें जा रही है। उसके बाद यहाँ से ये हमारी जाती है हार्ट के अंदर, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है यहाँ से। उसके बाद यहाँ से ये हमारे जाती है टिश्यू के पास जाती है, ठीक है, टिश्यू के पास, ये टिश्यू के पास चली गई यहाँ पर ऑक्सीजन, टिश्यू के पास चली गई और इसने रिलीज़ करी क्या, एनर्जी रिलीज़ करी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और CO2। CO2 फिर वापस हमारे ब्लड में आ जाएगी और यहाँ से ये वापस हमारे हार्ट में जाएगी। हार्ट में जाने के बाद यहाँ से हार्ट से बाहर आएगी और ये दोबारा हमारे एल्वियोलाई में जाके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी ऑक्सीजन। तो ये पूरा है गैसेस का एक्सचेंज। गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पे दो जगह पे होता है, एक इस जगह पे होता है हमारे एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, और दूसरा यहाँ पर हो रहा है, ये जो है हमारे टिश्यू है इस जगह पे, यहाँ पे टिश्यू और हमारे ये इसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो दो जगह पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये यहाँ पे एक और डायग्राम है जिसमें पूरा दिख रहा है किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है। ब्रीदिंग हमने करी, फिर सांस अंदर ली, तो हमारी ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से अंदर आ रही है, ये हमारे ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में आ गई, फिर यहाँ से ऑक्सीजन हमारे ये चली गई ब्लड के अंदर। ये यहाँ पे हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारे एल्वियोलाई और जब हमारे ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैस का एक्सचेंज हो रहा है, तो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। अभी ऑक्सीजन हमारे टिश्यू में चली जाएगी, ये आ गया हमारे टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू में ऑक्सीजन चली गई और इन्होंने रिलीज करा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस सर्कुलेट होगी, ये यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लंग्स। यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी हमारे लंग्स में और फिर यहाँ से ब्रीदिंग के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चलेगी। तो ये हो गया पूरा किस तरीके से गैस का एक्सचेंज और किस तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है। अब ये तो पूरा वैसे मैंने बता दिया, लेकिन अब देखते हैं कि किस किस तरीके से हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे टिश्यू तक पहुंच रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे टिश्यू से बाहर आ रही है, हमारे बॉडी से बाहर। तो सबसे पहला है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो दो तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकती है, एक तो है, पहला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। अब जो 97 से 99% जो हमारी ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये यहाँ पे है, ये ऑक्सीजन जब हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इस फॉर्म में ऑक्सीजन जो है हमारी ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू तक, ठीक है। यहाँ पे अबाउट 99% ऑफ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके जाता है टिश्यू तक, ठीक है। फिर टिश्यू के जैसे पास जाता है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये टूट जाता है, ये रहा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये टूट जाएगा ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में, ऑक्सीजन चल जाएगी टिश्यू के अंदर और हीमोग्लोबिन वापस ब्लड में आ जाएगा।
तो ये पहला तरीका है कि किस तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। यह यहाँ पे एक और वही जो मैंने बताया था वैसी है कि हमारे लंग्स है, ये हमारी ब्लड कैप पल्मोनरी वेन है यहाँ पर, फिर ये हमारा हार्ट है, ये दोबारी सिस्टमिक आर्टरीज है, ये हमारे टिश्यू है यहाँ पे। ये यहाँ से ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स से इधर आती है हार्ट में, फिर हार्ट से टिश्यू के पास आती है, यहाँ से ऑक्सीजन टिश्यू में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में आ जाती है वापस, फिर यहाँ से हार्ट में जाती है और यहाँ से वापस हमारे लंग्स में और यहाँ से बाहर। अब दूसरा तरीका है इन फिजिकल फॉर्म। अब जो ऑक्सीजन है वो दो तरीके से जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है, एक हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में, दूसरा है फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल सॉल्यूशन फॉर्म में। 1 से 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में हमारे डिसॉल्व रहती है। जो हमारा ब्लड रहता है वो किससे बना होता है? प्लाज्मा से, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, जैसे RBC, WBC, ये सब। तो जो प्लाज्मा होता है उसके थ्रू ये हमारी ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा में डिसॉल्व रहती है और हमारे फिर टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये दो तरीके से हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है। अब दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी वो 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है। एक है बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, दूसरा है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, तीसरा है डिसॉल्व स्टेट में। डिसॉल्व स्टेट तो वही हो गया कि प्लाज्मा में डिसॉल्व है बाई कार्बोनेट, और जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, 23% कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और 7% डिसॉल्व स्टेट में। तो ये हो गया पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है।